अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल की सीरीज़। तो एग्जाम्पल वन हमने ख़त्म किया, अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर टू। तो एग्जाम्पल नंबर टू में क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है वो पढ़ते हैं। फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोऑफिशिएंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन ये हमें दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये जैसे दिया होता है तो इसमें हम कैलकुलेशन, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो आप बोलोगे सर टेन के ऐसे पार्ट करो कि जिसका टोटल मिला के वो दोनों का टोटल हो जाए फाइव, जैसे सब करते हैं फाइव इंटू टू, तो क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो टेन हो ही जाएगा और प्लस करोगे तो सेवन हो जाएगा। सेम वे तो लिखना चालू करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन। तो अभी आगे चलते हैं, तो ये पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से कॉमन, तो कॉमन क्या निकलेगा एक्स एक्स प्लस फाइव, यहाँ प्लस की साइन और यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस फाइव, टू कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या दूसरे कॉलम में एक्स प्लस फाइव। अभी आप देखोगे ये दोनों कॉलम सेम आ गए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, आपको पता ही है ऑलरेडी, लेकिन एक ध्यान रखना है ये पॉइंट एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस टू। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर आपके पास दो ज़ीरो आ गए, इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, तो ज़ीरो रखेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ज़ीरो रखने से एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। सेम वे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा तो अभी हम आगे जा सकते हैं। आप बोलोगे सर आपके पास क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर अल्फा आ गया एंड बीटा आ गया, अल्फा बीटा दोनों आ गए। अभी हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ तक का आपने ख़त्म कर दिया, फाइंड आउट द ज़ीरो, जो ज़ीरो फाइंड आउट करने थे वो कर दिया, अभी हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बिटवीन ज़ीरो एंड कोऑफिशिएंट, तो अभी हम वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखोगे दो फार्मूला आ गई है आपके सामने, जो हमारा सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा सर होगा कितना, तो पहले लिखेंगे अल्फा है हमारा फाइव, बीटा आप बोलोगे माइनस टू, दोनों माइनस में ही है तो होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगी माइनस की, तो माइनस सेवन आ जाएगा। जैसे ये हो जाएगा बाद में हमें कोऑफिशिएंट लिखना पड़ेगा, कोऑफिशिएंट के लिए नीचे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर जो होगा उसका कोऑफिशिएंट वन है, एक्स का कोऑफिशिएंट सेवन है और कांस्टेंट टर्म का टेन है। तो आप बोलोगे सर कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स, कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स तो आप बोलोगे सर वो होगा सेवन और आगे माइनस की साइन फॉर्मूला के हिसाब से, और कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वन, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस सेवन। तो माइनस सेवन आएगा, आप बोलोगे सम ऑफ द ज़ीरो एंड कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों आंसर टैली हो गए, वेरीफाई हो गए। अभी आप बोलोगे सर प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए बोलोगे सर लिखना है अल्फा इंटू बीटा। तो आप बोलोगे सर अल्फा क्या है, तो अल्फा बहुत सिंपल है आपको पता ही है, आप बोलोगे सर माइनस फाइव इंटू माइनस टू, सॉल्व करेंगे तो टेन हो जाएगा, वो प्लस में आएगा। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म आपको ध्यान रखनी है टेन है, और कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आप बोलोगे वन, तो यहाँ हो जाएगा वन। इसके साथ आप देखोगे तो आपको दो चीज़ बोली गई थी, पहला चीज़ जो बोला गया था वो था फाइंड आउट द ज़ीरो जो आपने ढूंढ लिया, बाद में वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोऑफिशिएंट, तो आपने ज़ीरो एंड कोऑफिशिएंट ढूंढ लिया। इसके साथ आप बोलोगे कि आपका बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अभी वीडियो नंबर 24।